एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप अपने सारे फेस्टिवल्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसा कि हर बार आपके साथ आपके सामने मैं एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ आती हूँ, तो आज भी मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल वीडियो के साथ आई हूँ। और ये जो मोटिवेशनल वीडियो है, इसे मैंने खुद ही फेस किया है और मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपके साथ में शेयर करना चाहिए। तो मैं कल की बात कर रही हूँ। कल क्या हो रहा था, मेरे बगीचे की सफाई हो रही थी, ठीक है। तो उस समय मतलब मेरे बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ पे दो तरीके के पेड़ थे, एक अमरूद का था और एक शरीफा का पेड़ था। तो दोनों के पत्ते काफ़ी डिफरेंस होते हैं, उनके बीच में काफ़ी डिफरेंस होता है ना, एकदम जनरली बहुत डिफरेंस होता है। तो शरीफा का पेड़ अमरूद के कांटेक्ट में आने के कारण, आपको पता है, उसकी लीफ का शेप चेंज हो गया। जी हाँ, हम भी बहुत शॉक्ड थे कि हालांकि वो पेड़ तो दूसरा है, लेकिन वो जब अमरूद के कांटेक्ट में आया तो उसने अपना पूरा डिज़ाइन ही चेंज कर दिया, उसका टेक्सचर ही चेंज। मैंने अपनी मम्मी के साथ शेयर किया और डिस्कस किया कि मम्मी, इंसान तो असली संगत में आके अपना कॉन्टैक्ट खो देते हैं, ये तो पेड़ पौधे हैं, फिर भी ये दूसरों की संगति में आने के कारण अपने आप को ही बदल दी। तो इससे हम क्या सीखते हैं, इसमें भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से समझें और ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको मोरल मिलेगा। तो ये हम कह सकते हैं कि संगति का जो असर होता है वो केवल इंसानों पर ही नहीं होता, वो पेड़ पौधों पर भी होता है। कभी कभी पता, हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो जिस पेड़ पे रहते हैं या जिस जगह पे रहते हैं, वो अपने आप को उस तरीके से ढाल लेते हैं, ऐसे एडेप्टेट कर लेते हैं ताकि उनका जो शिकार है उनको पकड़ ना पाए। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा अच्छी संगति पे रहना चाहिए। अगर हमारी संगति अच्छी है तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत अच्छे गुड हैबिट्स, गुड वाइब्स, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आएंगी। और अगर आपकी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है या आप अपने कंपनी को मतलब बैड कंपनी के साथ रह रहे हैं तो आप वैसे ही डिफरेंस हो जाएंगे। तो सोचिए, मैंने एकदम कॉमन सा मतलब जिसे कोई नोटिस नहीं करता, मैंने उस चीज़ को नोटिस किया और ऐसा फील किया कि केवल इंसान पर ही नहीं, जानवर, पेड़ पौधे, इन सब पर असर होता है संगति का। तो अगर आप अच्छी संगति में है तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है, गलती से किसी गलत संगति में चले गए हैं, तो अपने आप को उस चीज़ से निकालिए और वापस अच्छे संगति में आइए। ऐसा नहीं कि इंसान अपनी लाइफ में गलती नहीं करता है, गलतियां तो बहुत होती हैं, लेकिन सुधरने का भी मौका मिलता है। तो आपको सुधरने का अगर मौका मिल रहा है तो उस चीज़ को इम्प्रूव कीजिए और अपनी संगति को चेंज कीजिए ताकि आप पॉजिटिवली रह सकें और काफ़ी अच्छा भी फील हो आपको। आई होप मैंने जो करंट फिनोमेना जो देखा आपको, उस बेसिस पे कुछ समझाने की कोशिश की हो। तो आपको अगर समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके मेरे सारे वीडियोज़ को देखिए और अज्यूम कीजिए कि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या नहीं। और फिर से एक बार रिपीट करेंगे, मैंने जो भी आपको मोटिवेशन दिया है उस चीज़ पे आप उस चीज़ को फॉलो कीजिए, और अगर आपको गुड बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हैव अ गुड डे।